गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मस्त है ना? अच्छे से रहिए। देखिए, पढ़ाई के लिए मेहनत करिए। देखिए, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन सभी लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड बच्चे वहां पहुंचते हैं। तो देखिए, सभी माँ बाप को अपने बच्चे के प्रति चिंता होती है और वो काफी मेहनत करते हैं अपने बच्चे के लिए। खुद को दिक्कत में होते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए सभी कुछ का पूरा करते हैं। तो आपसे कहेंगे कि आप पढ़ाई के लिए मेहनत करिए, समय का दुरुपयोग नहीं करिए, घर में टाइम को यूज करिए, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। हम लोग लेंस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? लेंस फॉर्मूला डिराइव किए थे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये किसके लिए? हम लोग कन्वेक्स लेंस लेकर के प्रूफ किए थे, है ना? तो आज फिर हम कनकेव लेंस लेकर के प्रूफ कर लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, और सब लोग फास्ट लिखते जाइए, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, साथ साथ लिखते जाइए और फास्ट लिखिए। काम अभी का अभी फिनिश हो जाएगा, फिर उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला फॉर कंकेव लेंस, ठीक है? कंकेव लेंस। अवतल लेंस के लिए लेंस के सूत्र के लिए का लेंस के सूत्र का सत्यापन, ठीक है? तो देखिए, फिगर ड्रॉ करते हैं, आपके लिए आसान होगा क्योंकि पहले हम लोग दो कन्वेक्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से ये आराम से और तुरंत हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये कंकेव लेंस है, मेन फिगर है, फिगर ड्रॉ करिए और खुद से बन जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है? यहां पे एक ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, यहां से रे ऑफ लाइट गया पैरेलल, है ना? फिर यहां से ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ये पैरेलल गया है, ये कहां से पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा, क्लियर है ना? ये थोड़ा और इधर ले लीजिए, आपके लिए आसान होगा। ए बी, अब ये कहां पे कट किया? ये फोकस पे कट करेगा। और एक हम लोग कहां से ले लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए एक, ये ऑप्टिकल सेंटर से चला गया। अब यहां पे देखिए, ये वाला, ये ए डैश और ये बी डैश हो गया। तो अब देखिए, अब आप आराम से कर सकते हैं जैसा कि पहले किए हैं। कौन सा ट्रायंगल में लेंगे? देखिए, ए बी सी एंड ए डस बी डस सी इन ट्रायंगल ए बी सी
एंट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, देखिए ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी इक्वल टू 90 डिग्री और ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, तो ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश ये कॉमन हो गया, तो सो द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, जब ये सिमिलर हो गया, ये हाइट ए बी है ये ए डैश बी डैश है, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाय ए डैश सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहां पे देखा जाए, देखिए तो अब कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा, आप देखिए इसको डी मान लीजिए है ना, तो सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ये इधर से कॉमन है, एंगल सी एफ डी इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश और ये 90 डिग्री डी सी एफ इक्वल टू बी डैश ए डैश एफ ये 90 डिग्री है और ये कॉमन था है। अब यहां पे सो द ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, ठीक है, जब ये सिमिलर हो जाएगा तब क्या लिखेंगे, सी डी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ सी या सी एफ भी लिख सकते हैं, सी एफ बाय ए डैश एफ और सी डी जो है ए बी के बराबर है ना, सी डी इक्वल टू ए बी, तो सी डी के बदले हम लोग पुट कर देते हैं ए बी, तो ए बी बाय ए डस बी डस इक्वल टू सी एफ बाय ए डस एफ ये इक्वेशन टू हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए यहां भी लेफ्ट साइड ए बी बाय ए डस बी डस है, यहां भी ए बी बाय ए डस बी डस है, बच्चे दिल के सच्चे इधर देखिए, यहां ए सी बाय ए डैश सी और यहां सी एफ बाय ए डैश एफ, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है, और थोड़ा फास्ट करिए। हाँ पॉज करके नोट कर लीजिएगा ठीक है। अब यहां पे देखिएगा अब यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ए बी बाय ए डस बी डस बराबर ए सी बाय ए डस सी मीन्स ए सी बाय ए डस सी इक्वल टू सी एफ बाय ए डैश एफ, क्लियर है। अब सी एफ बाय ए डैश एफ आप देखिए अपने फिगर में प्रीवियस जो लिखे थे ये सी था, ये ऐसे करके गया था ठीक है, ये एफ था, ये ए डैश और बी डैश, तो देखिए यहां पे ध्यान से देखिए ए डैश एफ को आप ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, हेलो ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, ए डैश एफ को लिखेंगे सी एफ माइनस ए डैश सी, सी एफ माइनस ए डैश सी, तो सी एफ बाय सी एफ माइनस ए डैश सी
यहाँ ए सी अब बाय ए डैश सी। अब देखिए ए सी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो माइनस यू ए डैश सी माइनस वी सी एफ इक्वल टू माइनस एफ रख दीजिए यहाँ पे माइनस यू बाय माइनस वी माइनस एफ बाय माइनस एफ माइनस माइनस वी तो यू बाय वी इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस एफ प्लस वी। क्लियर हो? अब यहां पे क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो माइनस वी एफ इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू वी। ये देखिए यू एफ इधर ले लीजिए तो क्या होगा यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ तो यहां पे यू एफ बाय यू वी एफ माइनस वी एफ बाय यू वी एफ इक्वल टू यू वी बाय यू वी एफ। यू वी कैंसिल हो जाएगा तो वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ हो गया। क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए ना। अब देखिए अब लीनियर मैग्निफिकेशन देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या रेखीय आवर्धन जैसे वहां पे पढ़े थे मिरर में उसी तरह से यहां भी पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वहां भी पढ़े थे आप लोग एच टू बाय एच वन पढ़े थे ना साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहां पे लिख लेंगे द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एस टू टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है? अब यहां पे देखिए प्रतिबिंब का साइज तथा वस्तु का साइज के अनुपात को क्लियर है ना रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहां पे क्या लिखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन फिकेशन एम इक्वल टू ठीक है रेखीय आवर्धन इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए काफी साइज ऑफ इमेज अबाउट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट size of image by size of object ठीक है इसको लिख देंगे n equal to a dash b dash by ab ठीक है। अब यहां पे हम लोग लेंस लेकर के इसको क्लियर करते हैं। ठीक है इसको आप नोट करिएगा जरा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको नोट करिए फास्ट करिएगा थोड़ा। हाँ देखिए नोट कर लिए। अब यहां पे
एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, यहां पे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लीजिए ए बी, क्लियर है, ये पैरेलल गया, ये फोकस से पास हो जाएगा और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, यहां पे कट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हुआ यहां पे, ये ए डैश बी डैश है ना, ये आपका ए बी है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों क्या हो जाएगा, बोलिए, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे हम देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ध्यान से देखिएगा, बी ए सी इक्वल टू बी डैश ए डैश सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी बी ए डैश सी बी डैश, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सो द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, जब सिमिलर हो जाएगा तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाय ए डैश सी हो जाएगा। तो इसको उल्टा दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल टू ए डैश सी बाय ए सी, ठीक है। अब इसको क्या कह देंगे, एम कह देंगे, है ना, ये एम हो जाएगा, तो एम इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू ए डैश बाय ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल टू ए डैश सी बाय ए सी। हेलो एवरीवन, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, हेलो प्लीज ध्यान से देखिए, समझिएगा, इधर ए डैश बी डैश ये आपका एच टू है, ये आपका एच वन है, तो ये ऊपर का हाइट है प्लस लीजिएगा, और ये नीचे का हाइट है माइनस लीजिएगा, तो माइनस एच टू बाई एच वन इक्वल टू ए डैश सी, ऑप्टिकल सेंटर से यहां डिस्टेंस मेजर्ड होगा, तो ये बी है, ये माइनस यू हो जाएगा, तो v बाय माइनस यू, कैसे, AC इधर है, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, उधर का डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना। तो यहां पे m इक्वल टू माइनस माइनस एच टू बाय एच वन इक्वल टू माइनस v बाय u, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू एच टू बाय एच वन इक्वल टू वी बाई यू हो जाएगा, समझे क्या, ये हो गया। याद है वहां पे मिरर के केस में जब हम स्पेरिकल मिरर पर गए थे, तो वहां पे एन बराबर क्या लिखे थे, एच टू बाई एच वन इक्वल टू माइनस वी बाई यू लिखे थे, है ना, यहाँ पे माइनस नहीं आया लेंस के केस में। अब इन द फॉर्म ऑफ यू एंड एफ, पहले इसको नोट करिएगा, थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, अब इन द फॉर्म ऑफ यू एंड एफ, इन द फॉर्म ऑफ यू एंड एफ लिखिएगा, यू तथा एफ के रूप में,
प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वी। तो वी बाय वी माइनस वी बाय यू इक्वल टू वी बाय एफ यू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय यू। देखिए u by v minus u by u are equal to u by f, तो u by v minus 1 equal to u by f, तो u by v equal to u by f plus 1, तो means u by v equal to u plus f by f। यहाँ ऐसे हम लीजिए, इसको उल्टा दीजिए, v by u equal to क्या लिख सकते हैं, f by f plus u लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या होगा v बाय u, तो v बाय u के लिए क्या पुट कर देंगे, यहां से बोलिए f बाय f प्लस u पुट कर देंगे, क्लियर है ना। यानी तो इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, इसको टू ले लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड m इक्वल टू f बाय f प्लस यू, क्लियर है ना, f बाय f प्लस यू। याद है वहां पे हम लोग मिरर के केस में f बाय f माइनस यू आया था, ये हो गया f u और f के फॉर्म में, क्लियर हो। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा, और वहां पे टू तो लिए ही थे, तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थर्ड लिख लिए, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थर्ड, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस v बाय f, m इक्वल टू f माइनस v बाय f। देखिए अब कंक्लूजन यहां पे देखिए कंप्लीट, क्या क्या हुआ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू h2 बाय h1 इक्वल टू v बाय u इक्वल टू f बाय f प्लस u इक्वल टू f माइनस v बाय f, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला हुआ मैग्निफिकेशन का, h2 बाय h1, v बाय u, f बाय f प्लस u, f माइनस v बाय f। याद है हम लोग मिरर के केस में पढ़े थे, जब हमें स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन निकाले थे, तो वहां पे हम लोग m इक्वल टू h2 बाय h1 माइनस v बाय u इक्वल टू f बाय f माइनस u इक्वल टू f माइनस v बाय f। देखिए कहां कहां से एक्सचेंज हुआ, यहां माइनस था तो यहां प्लस हो गया, यहां माइनस है तो वहां पे प्लस हो गया, दैट्स इट, इतना ही चेंज हुआ है। तो देखिए ये मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ है किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, h2 बाय h1 इक्वल टू v बाय u इक्वल टू f बाय f प्लस u इक्वल टू f माइनस v बाय f, ठीक है। इसको नोट करिए, एक न्यूमेरिकल होगा,
है ना। एक न्यूमेरिकल देखिएगा, छोटा न्यूमेरिकल है, 9.9 है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये घर में लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। हम बता देते हैं क्या है, एनसीईआरटी का पेज नंबर देखिएगा 346 है, पेज नंबर 346 और क्वेश्चन नंबर 9.9 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम फिगर बना के बता देते हैं, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। ये कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, ए बी, ये यहां से 14 सेंटीमीटर पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और इसका हाइट 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए H1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ माइनस 21 सेंटीमीटर की वैल्यू है और U इक्वल टू माइनस 14 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि H2 क्या होगा, ठीक है, और इमेज कहां पे बनी, ये फाइंड आउट करना। एक तो सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, एग्री। तो 1/V माइनस 1/U, U के लिए क्या पुट करेंगे, माइनस 14 इक्वल टू एफ के लिए क्या पुट करेंगे, माइनस 14, माइनस माइनस प्लस 1/14 इक्वल टू माइनस 1/21, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1/14 माइनस 1/21, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, क्या 42 एलसीएम आपका 42 हो गया, माइनस 3 माइनस 2, तो 1/V इक्वल टू माइनस 5/42, तो वी इक्वल टू माइनस 42/5, ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर आपका क्या निकल जाएगा, बोलिए, वी निकल गया, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आप H2 निकालिए, H2 कैसे निकालिएगा देखिए, इसको नोट करिए, H2 खुद से निकालिए, हाँ देखिए यही पे देख लीजिए ना, H2 देखिए कैसे निकालिएगा, आपको पता है ना H2/H1 इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं, H2/H1 इक्वल टू F/F+U, दोनों मालूम है, या नहीं तो V/U कर सकते हैं, V/U, तो H1 आपका 3 सेंटीमीटर है इक्वल टू V आपको निकला है कितना, माइनस 8.4 और U जो है आपका माइनस 14 है, तो H2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8.4/-14, ये प्लस 14 है, इनटू जो होगा यहां पे 3 हो जाएगा, ये आपको H2 निकल जाएगा। तो ये घर में निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, समझे, H2 इक्वल टू 8.4 इंटू 3 बाय 14, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिए। एक न्यूमेरिकल और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है, अच्छा लगेगा। यहां पे
ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्लेन मिरर इज केप्ट बिहाइंड ए कन्वेक्स लेंस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर व्हेन ए पिन इज प्लेस्ड, व्हेन ए पिन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस क्लियर है, देन इट्स इमेज कॉन्साइड देन इट्स इमेज कॉन्साइड with it, है ना? Calculate the focal length of lens. इस क्वेश्चन को समझाते हैं, इसमें बहुत सारा numerical बनेगा। Calculate the focal length of lens, ठीक है? Focal length, क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं, इसमें हम लोग काम करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ जाएगा ना इसका कॉन्सेप्ट, तो और भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से बनेगा। बस एक शर्त है, इसका सॉल्यूशन सभी लोग अच्छा से देखिए। इधर बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हेलो बच्चे, हेलो डियर स्टूडेंट्स, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप मेहनती भी है, थोड़ा मेहनत करिए, अच्छा रहेगा, है ना? तो देखिए, जस्ट अ मिनट देखिएगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, है ना? इसका सॉल्यूशन हम फिगर बना करके देते हैं। देखिए, फिगर ऑप्टिक्स में फिगर जितना बढ़िया होगा ना, उतना अच्छा से आप समझेंगे। बिना फिगर का कोई भी न्यूमेरिकल आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। फिगर ड्रॉ करते जाइए, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बनते जाएगा, है ना? तो प्लीज़ देखिएगा, ये है क्या मेन, ये देखिए, इमेज कॉन्साइड इट, है ना? ये चीज देखिए, इमेज कॉन्साइड विथ इट, जहां पे ऑब्जेक्ट है, जहां पे वस्तु है, वहीं पे प्रतिबिंब बनना होगा। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए पहले एक क्या कर लीजिए, कन्वेक्स लेंस बना लीजिए, ठीक है? एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, उसके 5 सेंटीमीटर उसके पीछे में, 5 सेंटीमीटर पीछे में है एक प्लेन मिरर है। अब कह रहा है इस कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, पिन रखे हैं, यहाँ पे एक पिन रखे हैं, ठीक है? ये 25 सेंटीमीटर पे, तो इमेज यही बनना है। तो इमेज देखिए, जहां पे ऑब्जेक्ट है, सबसे मेन बात है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनाना हो तो हम लोगों को क्या करना होगा, लाइट को जो है ना, फिर उसी पाथ पे रिट्रेस करना पड़ेगा, लाइट को उसी पाथ पे वापस आना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे कैसे वापस आएगा, यहां से गया, यहां पे 90 डिग्री पे, ये प्लेन मिरर 5 सेंटीमीटर पे है, उसे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां पे
90 डिग्री पे फॉल करेगा, देखिए पहले क्या पढ़े थे, 90 डिग्री पे फॉल करेगा तभी तो वो फिर से वापस आएगा, नॉर्मली जब जाएगा तभी तो उस पाथ पे फिर से वापस आएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉल किया 90 डिग्री पे, तो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, ठीक है, तब जा कर के ये इमेज फिर यहीं बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं दो तरह से। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही इटसेल्फ फोकस होगा, वहीं पे ऑब्जेक्ट हो गया, वहीं पे इमेज हो गया, वहीं पे फोकस भी हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ बच्चे नहीं समझे। तो देखिए फॉर कन्वेक्स लेंस, यदि ये प्लेन मिरर आपके पास ना होता तो ये कहाँ पे चला जाता, इन्फिनाइट। तो ऑब्जेक्ट है कितना, -25 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ पे बनता, इन्फिनिटी पे बन जाता। यदि ये प्लेन मिरर के वजह से ना ये वापस आ गया, सिर्फ लेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या करता, इन्फिनाइट पे चला जाता। तो आप देखिए 1/v इक्वल -1/u इक्वल टू 1/f है ना। तो 1/v -25 इक्वल टू 1/f। तो क्या करेंगे कि फोकल लेंथ क्या है आपके पास, फोकल लेंथ ही निकालना है, इमेज इन्फिनिटी पे हो जाएगा, फोकल लेंथ निकालना है। तो माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f, मीन्स 1/f इक्वल टू 1/25 मीन्स फोकल लेंथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसा ही एक न्यूमेरिकल्स और करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। इसको आप करिए, नोट कर लीजिएगा, प्लीज़ नोट करिए, थोड़ा फास्ट करिए। एक क्वेश्चन है आपका, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एक कॉन्वेक्स लेंस एंड एक कनकेव एंड एक कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इफ ए ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर्म एन इमेज विच कॉन्साइड्स विद द ऑब्जेक्ट सेम बर्थ विच कॉन्साइड्स विथ द ऑब्जेक्ट सेम चीज है और बढ़िया है। इसको ये न्यूमेरिकल को सिखाएंगे ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पे है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस लेंस एंड मिरर आर रिस्पेक्टिवली respectively 15 centimeter and 10 centimeter। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।
लेंस का 15 सेंटीमीटर है एंड मिरर का 10 सेंटीमीटर है। देखिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करने से बहुत अच्छा बन जाएगा। इधर देखिएगा, आप खुद से ही बना लीजिएगा। अभी आपको सिखाते हैं, देखिए खुद से फिगर बनाते हैं, आप खुद से बना लीजिएगा। आप बहुत ही तेज है, आप बहुत होशियार भी हो गए हैं। तो देखिए इसको बनाते हैं। और सब मीनिंग में बहुत होशियार है, लेकिन पढ़ाई के मीनिंग में होशियार नहीं है, है ना? आप समझ रहे हैं? देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, मेरे बातों का बुरा नहीं मानिए। अब इधर देखिएगा, ये कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है? इफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर पे है, है ना? और ये यहाँ पे एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। तो देखिए रिफ्लेक्शन होगा ना, इसको ऐसे बनाते हैं। जस्ट अ मिनट रुकिएगा थोड़ा। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटर जो होगा 20 सेंटीमीटर पे होगा, ये सेंटर है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो लेंस है, लेंस थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तब ये यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गया। तो हम क्या बोले थे, कॉन्सेप्ट आपको क्या बोले कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनाने के लिए रे ऑफ लाइट को अपने ही पाथ पे रिट्रेस करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, ठीक है? तो वापस आने के लिए इस पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वापस आने के लिए ये यहाँ पे कितना डिग्री पे फॉल करना पड़ेगा? 90 डिग्री पे फॉल करना पड़ेगा, तभी तो वापस आएगा। 90 डिग्री पे फॉल करने का मीन्स है ये सेंटर पे जाएगा, ठीक है? ये सेंटर के थ्रू गुजरेगा। 90 डिग्री पे पास करने का, 90 डिग्री पे फॉल करने का मतलब है इसके ये सेंटर के थ्रू गुजरेगा। और सेंटर कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर पे है। आप एक बात बताइए, ये बीच का लेंथ L ले लीजिए, कह रहा है, देखिए फिर से हम क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, आप बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए कन्वेक्स लेंस एंड ए कन्वेक्स मिरर। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है? ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, इस दोनों के बीच का लेंथ मांग रहा है। और कह रहा है जब ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये वहीं पे इमेज बनना चाहिए, तो लाइट को क्या करना पड़ेगा? उसी पाथ पे वापस आना पड़ेगा। तो वापस आने के लिए कितना डिग्री पे फॉल करना पड़ेगा? 90 डिग्री पे। जैसे ही 90 डिग्री पे फॉल करेगा ये वापस हो जाएगा, ठीक है? और फिर ये इधर से चला जाएगा, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट है आपका, यहीं पे इमेज बन जाएगा। ये इमेज कैसे बना? इस दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक लेंस और एक मिरर के कॉम्बिनेशन से, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बना। लेकिन यदि मिरर ना रहता, हेलो बच्चे देखिए ध्यान से सुनिए जो बातें बोल रहे हैं, यदि मिरर ना होता, सिर्फ लेंस होता, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता? यहाँ पे बनता। मीन्स ये कितना डिस्टेंस पे? L प्लस 20 पे। हेलो क्या बोले? जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बना, दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के संयोजन से। यदि ये मिरर ना रहता, ये 20 कैसे हुआ समझे ना, इसका फोकल लेंथ 10 है तो ये 20 हो जाएगा। यदि ये मिरर ना रहता, तब ये सिर्फ लेंस रहता,
सिर्फ ये लेंस रहेगा, तब इसका इमेज कितना डिस्टेंस पर बनेगा, एल प्लस 20। तो दैट मीन्स फॉर कन्वेक्स लेंस, सिर्फ कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं हम, इधर ध्यान दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट आपका माइनस 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लेंस का 15 है, क्लियर है, और इमेज डिस्टेंस एल प्लस 20 है, उधर है, तो आपका फॉर्मूला क्या पुट करेंगे बोलिए, आप तेज बच्चे हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, 1/v, वी के लिए पुट करेंगे, एल प्लस 20 माइनस 40 इक्वल टू 1/15, मीन्स 1/l प्लस 20 प्लस 1/40 1/15, एल प्लस 20 इक्वल टू 1/15 और माइनस 1/40, समझे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, ठीक है, ये 1/l प्लस 20, ये 600 ले लीजिए, या नहीं तो आप इसका एलसीएम 300 भी ले सकते हैं, या 600 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये 40 और माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1/l प्लस 20 इक्वल टू 25/600, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नीचे दिखने ना होगा, नोट करिए, थोड़ा फास्ट करिएगा इसको, इसी पे सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, तब चलेंगे एनसीईआरटी की ओर, बस फिगर बना के देते हैं, आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, एक क्वेश्चन और देखिए तुरंत कर लीजिएगा आप, सिर्फ फिगर ही रहने देते हैं, हम डेटा चेंज करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर, क्या कह रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा ये फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 2f, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखिए ये फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2f, ये मिरर का फोकल लेंथ मान लीजिए f है, तो ये 2f हो जाएगा, और ये लेंस का फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा ये मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो u इक्वल टू कितना, -12, और v इक्वल टू 10 + 2f, और इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो देखिए फार्मूला क्या लगाइएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वी जो है 10 + 2f, यू जो है -12, ये 1/10 है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो +12 हो जाएगा, तो 1/10 + 2f, और 1/10 और -1/12, माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा -12, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये फिगर बनाकर नोट कर लीजिए इसको, और भी क्वेश्चन कराते हैं अभी, हाँ एक क्वेश्चन और देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
फिगर से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9.8 है, पेज नंबर 346 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, घर में देख लीजिएगा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक ए है, रे ऑफ लाइट पॉइंट पी पे फोकस कर रहा था, ये पॉइंट पी पे फोकस हो रहा था, रे ऑफ लाइट यहाँ पे पॉइंट पी पे है ना, तो कह रहा है कि यहाँ से पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट पॉइंट पी से एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे कुछ डिस्टेंस पे तब इमेज कहाँ बनेगा, और एक कॉनकेव लेंस रख देंगे तब कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम पहले इसको रख में बताते हैं, पहले देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे यदि आप कन्वेक्स लेंस रख देते हैं तो जैसे ही रखिएगा तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, यहाँ से इमेज इधर शिफ्ट कर जाएगा, और यदि आप यहाँ पे कनकेव लेंस रखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, कनकेव लेंस रखते हैं तो ये डाइवर्ज करेगा, जब डाइवर्ज करेगा तो ये पॉइंट पी उधर शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझे नहीं, देखिए दो बातें कह रहा है, कह रहा क्या कि एक पॉइंट पी पे लाइट कन आ रहा था, फोकस हो रहा था, ये लाइट आ रहा था, जैसे ही बीच में एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो जैसे ही कन्वेक्स लेंस रखिएगा तो ये लाइट क्या होगा, ये कह रहा है कि ये जो 12 है ये 12 सेंटीमीटर पर रखा, ठीक है ना, और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, देख लीजिएगा बुक में, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा, देखिए ये जो यहाँ पे फोकस हो रहा था, जैसे ही आप कन्वेक्स लेंस रखेंगे ये यहाँ से कन्वर्ज हो जाएगा, ये यहाँ से कन्वर्ज हो जाएगा, समझ गए, ध्यान दीजिए, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट पी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये लाइट यहाँ पे पहले से जा रहा था, जैसे ही कन्वेक्स लेंस रखेंगे तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इमेज यहाँ पे बनेगा, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्लियर है ना, तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करिएगा, यू जो है कहाँ से मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यू डिस्टेंस उधर है, लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल सेंटर से आप जब डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो लाइट के डायरेक्शन में मेजर करने तो ये प्लस हो जाएगा, फोकल लेंथ 20 है ही, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई 12 इक्वल टू 1 बाई 20 है ना, तब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या होगा 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, 60 एलसीएम लीजिए 3 प्लस 5, तो 1 बाई वी इक्वल टू 8 बाई 60 हो जाएगा, तो वी इक्वल टू 60 बाई 8, ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर, तो मीन्स ये जो V हो जाएगा कितना पे हो जाएगा, ऑब्वियस है ये 12 है, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर थोड़ा शिफ्ट होगा तो कम हो गया, ये कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है, अब जब कनकेव रख देंगे तो ये डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करेगा तो वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, प्लीज़ सुनिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही बहुत लाजवाब होता है, और एक एक क्वेश्चन करने से बहुत ही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको,
जब तक, हाँ जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाते हैं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ भले ही आप थ्योरी सिर्फ पढ़ लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स बनाइए। फिजिक्स का मतलब ही है न्यूमेरिकल्स बनाइए। जितना न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उतना अच्छा आपका थ्योरी क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आप कॉनकेव लेंस रखेंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, हम कॉनकेव लेंस डाल के हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। बी नंबर का वही क्वेश्चन है, क्लियर करिए। देखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का घर में। यदि आप एनसीईआरटी का बुक नहीं लेकर के गए हैं तो पीडीएफ आपके पास नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, देखिए एनसीईआरटी का, ठीक है। वहाँ से न्यूमेरिकल्स लिख लीजिए, चलिए लिखिए, फास्ट करिएगा। हाँ आप देखिए बी नंबर का, देखिए बी नंबर में देखिए क्या है, ये आपका कनकेव लेंस है ना, ये लाइट यहां पे फोकस हो रहा था, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट यहाँ पे जा रहा है, इसका फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, गिवेन है उसमें एनसीईआरटी में, देखिएगा दिया हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब जो यहाँ से लाइट होगा ये क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ये जो है यहाँ से ये लाइट डाइवर्ज कर जाएगा और यहाँ पे जाकर के मीट होगा, ये इमेज बन जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपका गिवेन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 12 सेंटीमीटर, ये पी है आपका 12 सेंटीमीटर पे, ये थोड़ा डाइवर्ज हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यू जो है 12 सेंटीमीटर है, आपका फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, तो v माइनस 12 इक्वल टू माइनस 16, चूँकि कनकेव लेंस है, तब यहाँ पे देख लीजिए 1/v = -1/16 - 1/12, ठीक है ना। एलसीएम क्या ले लीजिएगा, लीजिए -3 - -4 1/v, तो 1/v = -7/48 है ना, तो वी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, बोलिए 48/7, क्लियर हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो 1/48 सेंटीमीटर, तो वी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स देखिए ये 12 सेंटीमीटर था तो डाइवर्ज हो गया, तो और आगे चला गया, आगे कितना 48 सेंटीमीटर, तो ये कनकेव लेंस जब रख देंगे तो डाइवर्ज हो जाएगा और वी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, और जब कन्वेक्स रखे थे तो कन्वर्ज हो गया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट करिए, थोड़ा फास्ट करिए। अब एक यहाँ पे देखिएगा, द मिनिमम डिस्टेंस, एक हेडिंग बनाएगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड
इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको मिरर में भी काम किए थे, 4F यहां भी कर देते हैं आपको। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब एवं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ऐसा लिखे वास्तविक प्रतिबिंब एवं वस्तु के बीच न्यूनतम दूरी, दूरी ठीक है लिखिएगा इसको, एनालिसिस वन कर दीजिएगा। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, यहां पे ये आपका सेंटर है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसका रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज बनेगा इधर। तो मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये डी जो है मिनिमम कितना होगा, तो ये मान लीजिए यू है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू और इमेज का डिस्टेंस वी, ए डस बी डस, ये आपका ए है, ये आपका बी है ना, ये आपका सेंटर सी है। तो देखिए U प्लस V इक्वल टू D, तो U इक्वल टू D माइनस V। तो फॉर लेंस देखिए, फॉर कन्वेक्स लेंस आप क्या लिखिएगा, U इक्वल टू माइनस D माइनस V साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो फार्मूला क्या पुट करिएगा, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F, तो 1 बाय वी माइनस यू के लिए माइनस डी माइनस वी इक्वल टू 1 बाय एफ, तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय डी माइनस वी इक्वल टू 1 बाय एफ। इसको नोट करिए, तो आगे हम बताते हैं मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। याद है हम आपको मिरर में भी बताए थे 4F, ऑब्जेक्ट और उसका रियल इमेज, वस्तु तथा उसका वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी 4F बताए थे, और यहां भी वही होगा, हम प्रूफ करके दिखाते हैं। पहले इसको नोट करिए, हेलो बच्चे प्यारे, नोट करिए इसको, इधर देखिए। अब वहां पे एलसीएम ले लीजिए, v इंटू डी माइनस वी, डी माइनस वी प्लस वी इक्वल टू 1 बाय एफ, ये v भी कैंसिल आउट, तो d बाय वी डी माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, डी एफ इक्वल टू, या डी वी भी कह सकते हैं, डी वी माइनस वी स्क्वायर, इसको इधर ले लीजिए, वी स्क्वायर माइनस डी वी प्लस डी एफ इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया वी में, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होता है। तो देखिए
वी इक्वल टू माइनस बी, तो बी के जगह पे माइनस डी है यहाँ पे, तो माइनस माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर, तो माइनस डी का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए के जगह पे वन है और सी के जगह पे डी एफ है बाय टू ए, ए के जगह पे वन है, तो डी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस फोर डी एफ बाय टू हो गया, ये वी निकल गया। फॉर वी टू बी रियल, देखिए रियल वैल्यू होने के लिए ये जो हमारे रूट के अंदर में है डी स्क्वायर माइनस फोर डी एफ, या तो जीरो होना पड़ेगा या तो जीरो से एवव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। यदि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा तो ये वी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फॉर वी टू बी रियल, फॉर वी टू बी रियल, ठीक है, ये जो है अंदर में रूट के इनसाइड क्या है, डी स्क्वायर माइनस फोर डी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, तो डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर डी एफ, डी डी कैंसिल, डी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एफ, तो डी हमेशा फोर एफ से बड़ा और नहीं तो फोर एफ के बराबर, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एफ मिनिमम फोर एफ और उससे अधिक होगा, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस, हेलो न्यूनतम दूरी, हेलो प्यारी बच्चे इधर देखिए, तो d मिनिमम जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हम आपको मिरर में भी समझाए थे और फिर यही चीज़ हम आपको यहाँ लेंस में भी करा रहे हैं, इसको नोट करिए। है ना, नोट कर लिए। अब देखिए लास्ट आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। लेंस में काफ़ी अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, ठीक है, मेन है कि अब पावर पढ़ना, फिर लेंस को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास करते रहिए, रेगुलर क्लास करिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और अभी समय का घर में यूटिलाइज करिए, पूरा कंप्लीट पढ़ाई पे फोकस करिए, है ना, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।